हाय, आज का स्नैक बनाने वाला बहुत टेस्टी, बहुत सिंपल और घर की चीज़ों से मोस्टली। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया बॉयल पोटैटोस, जिसको हम मैश कर देंगे। हाथों से करो या फिर मैश करने वाले से करो, जैसे मर्जी करो, बस हो जाना चाहिए। फिर चाहिए हमें पोहा, जो कि मैंने पानी में सोक करा था, और चाहिए वेजीज खूब सारी दुनिया भर की। प्याज ले आओ, गोभी ले आओ, शिमला मिर्च, कॉर्न, बस टमाटर मत लेना, मम्मी ने मना करा था। मसाले जो कि सारे के सारे मिक्स कर दिए। फिर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर भी मिक्स करना रह गया था, वो भी मिक्स कर दिया। अब हम लेंगे चीज़। चीज़ के बिना रेसिपीज थोड़ी इनकम्प्लीट होती है। ये देखो, ऐसे ऐसे इसको हाफ चीज़ क्यूब्स काट लेंगे, चीज़ स्लाइस भी ले सकते हैं। इस तरीके से हम आलू कटलेट्स बना लेंगे। खूब सारी वेजेस डाली है तो फिर बढ़िया क्रंच क्रंच से आएगा, टेस्ट लगेगा। और लेंगे एक और बाउल, उसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा नमक, काली मिर्च एंड पानी। इस मिक्सचर को हम करेंगे डिप, मतलब इसको डिप करेंगे, नहीं, आलू कटलेट को डिप करेंगे इस मिक्सचर में और फिर उसके बाद पोहा में। और इस तरीके से इसको फ्राई कर देंगे। रेडी। देखो कितना टेस्टी लग रहा ना, यम। ट्राई करो इसे और मुझे बताना कैसा लगा। बहुत टेस्टी है, बहुत सिंपल है, मम्मा बनाते हो, बहुत बढ़िया लगता है। और ना एक और ट्रिक भी करी मैंने, कुछ के अंदर डाली चीज़, कुछ के अंदर नहीं डाली, जिसके नहीं आई उसकी फूटी किस्मत। सही किया ना। लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो, सब कर दो।